फर्स्ट मेरी लाइफ की मूवी इदा दी जिसे मेरा बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप है, मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, सब कुछ डी आई तो बहुत सोहना, इन्हों लुक्स इन वधिया कड़िया ने बाहुबली दे मतलब उन्होंने डी ओ पी ने उन्होंने इन्ना ब्यूटीफुल सिनेमेटो किया है बहुत ज़्यादा, तो लुक्स से सब चीज़ा तो बहुत वर्क होया है। मेरे फादर की जी डैथ होंगी होंगी है बिकेज ऑफ सन माफिया, तो ये मैं पूरी नरेटर हाँ सुखा तो रॉकी की पूरी मूवी मतलब पूरी लाइफ लाइफ स्टोरी की, तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना हितेश, तुम देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी। फिल्म आने लगी है जी माइनिंग रेत ते कब्जा, ते साढ़े नाल बैठे ने वेरी गॉर्जियस सारा गुरपाल। हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं, किवें हो तुसीं? बहुत वधिया, तुसीं? बहुत वधिया। जिसमें फिल्म आने लगी है, काफ़ी ट्रेलर देख के काफ़ी कुछ अंदाजे ला रहे हैं क्योंकि साउथ का कॉन्सैप्ट लग रहा है, साउथ वाली लुक लग रही है, थोड़ा की कहना चाहिए? बेसिकली जो कॉन्सैप्ट है दैट इज़ रेत माफिया, सैंड माफिया, तो ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ही हैगा जिहड़ा रेत की जिहड़ी तकसरी हुंदी है ना, तो ये ऑल ओवर सारे इंडिया च ही है, तो करके असं तीन मूवी मूवी तीन लैंगुएजेस दे विच असीं रिलीज़ कर रहे हैं, हिंदी पंजाबी एंड मराठी। इस मूवी का जिहड़ा एक्शन है तो लुक तो करके इदा की लग रही है क्योंकि जिहड़े साडे डी ओ पी सर ने साउथ के ने, सुरेश दादा इज़ फ्रॉम साउथ, तो बाहुबली दे मतलब उन्होंने डी ओ पी ने उन्होंने इन्ना ब्यूटीफुल सिनेमेटो किया है बहुत ज़्यादा, तो लुक्स से सब चीज़ा तो बहुत वर्क होया है। मतलब पहला फर्स्ट मेरी लाइफ की मूवी इदा दी जिसे मेरा बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप है, मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, सब कुछ डी आई तो बहुत सोहना, इन्हों लुक्स इन वधिया कड़िया ने, सो ये करके लग रही है। किरदार की गल की जाए सारा दी, तो किदा का किरदार देखने को मिलेगा, चुलबुला या हमेशा की तरह या फिर कुछ डिफरेंट? एक्चुअली ये थोड़ा सीरीयस कैरेक्टर है, ये मैं एज अ की कहते हैं जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ, तो मेरे फादर की जी डैथ होंगी है बिकॉज ऑफ सन माफिया, तो ये मैं पूरी नरेटर हाँ सुखा तो रॉकी की पूरी मूवी मतलब पूरी लाइफ लाइफ स्टोरी की, तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन दिस। एक वक्रा जा किरदार कर वक्रा है, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी काफ़ी वधिया है, आई मीन आई लव्ड इट। ड्यूरिंग द शूट कुछ यह जहाँ कुछ यादगार हो जो हूँ भी याद हो शेयर करना चाहो? असी शूट कर रहे थे, वो सीगा गुग्गा मैड़ी मंदिर, गुग्गा मैड़ी सी, वो बहुत दूर जाके है यार, इधरों ना काफ़ी दूर जाके आ, न्यू चंडीगढ़ तो अगे जाके, मैं चंडीगढ़ तो दूर है, तो मैं एक्चुअली उत्तर जाना चाहती थी बहुत टाइम दी, तो असी शूट ही उत्थे रख लिया। भैरव जी का मंदिर है, तो उत्थे जाना चाहते थे, तो एक दिन सानू फोन आया कि इतने सवेरे मॉर्निंग दे विच शूट है, मैंने लोकेशन आई, मैं क्या यार इतने तो जाना सीगा, तो कहते हैं ना कि रब जो बुला फिर इदा ही बुला, तो मैं मेरी इच्छा सी, तो असं पूरा दिन उत्तर शूट कर रहे थे, तो वो मेरी मैंने हमेशा याद रहा है कि मैं जाना चाहती थी, तो बाबा जी ने बुला लिया। मैम कोई गाना सुना दो ऑडियंस को। जन चढ़दा ते सारे लोकी पै तक दे, मुकदरा दे लिखे होए मिट नहीं हो सकदे, तेनु रब ने बनाया मेरे लई ओए, तेनु रब ने बनाया मेरे लई ओए, मथे तेरा ना लिख के बूहे बारियां है, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच।